सभी उपस्थित सज्जनों को गणेश गोगियाल का सप्रेम नमस्कार। मुझे ये कहा, दोनों बातें कही आप लोगों ने कि सूक्ष्म भी बोलना है और बच्चों को उपदेश भी देने हैं, तो देने हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि अपने संबोधन को बहुत सूक्ष्म करूं। मैं सबसे पहले ये आज 50वीं सालगिरह इस राजकीय इंटर कॉलेज की है, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज भोंगीधार की 50वीं सालगिरह है और निश्चित रूप में 50 ए बच्चों बच्चों ए बच्चों जरा शांत रहो, 50वीं सालगिरह है तो 50वीं सालगिरह निश्चित रूप में एक महत्वपूर्ण क्षण हम सब लोगों के लिए। मैं ये 50वीं सालगिरह के अवसर पर उस देवता तुल्य व्यक्ति को जिसकी सोच के आधार पर यह विद्यालय यहां पर स्थापित हुआ उस व्यक्ति को नमन करता हूं, उस समय के चौहान के उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने उस समय के नेताओं को यह बात कही होगी कि हमारे यहां पर एक इंटर कॉलेज की आवश्यकता है, एक स्कूल की आवश्यकता है। मैं उन सब चौहान के उन पूर्वजों को नमन करता हूं। उनमें से बहुत से लोग हो सकते हैं उम्र दराज होकर आज हमारे बीच हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे बीच नहीं होंगे, उन सबको नमन करता हूं और जो हमारे बीच हैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उस देवतुल्य पुरुष को भी आज इस मौके पर याद करना चाहूंगा और आप सब जानते हैं कि उनका नाम था, क्या नाम था, शिवानंद नौटियाल। छेज का तो पता है, सुबेर बेटी का नाम लेते भेज भाग गया लेकिन नहीं लिया, कह नहीं लिया। सच्चाई याच है कि ये स्कूल थे प्रण में, ये स्कूल थे स्थापित कर में जुबे टाइम पर विधायक था वो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल था। आज ये मौका पर ये होता है याद कर चाहूं, वो तो नमन कर चाहूं और हम सभी तक कर चाहूं, हम उन सभी तक उतर नमन कर चाहूं जा जो ये स्कूल बटी शिक्षा ग्रहण करके अग्नि अपने जीवन पर सुधारने की कोशिश करना चाहिए और उतर भी नमन कर चाहूं जा जो जो छात्र एक बटी जो पूर्व छात्र है ना और आज ये स्कूल बटी शिक्षा ग्रहण करके जना जीवन में उत्तर उत्तर वृद्धि होनी चाहिए, उतर भी उतर नमन कर चाहूं। तो आज हम ये मौके पर उतर नमन करना, उतर प्रणाम करना। मेरे साथियों और आयोजक समिति का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाए। अब मित्र तो समझ में नहीं होना, तुम तो धन्यवाद दो कि नहीं दो, कि तुम तो मैं चाह रहा धन्यवाद दो रो तो कह कि तुम तो फिर कोई और बात नहीं सुन पोर कह बेटी तो ज्यादा धन्यवाद दो भी मित्र डॉ लागू, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये जो हिम्मत दिखाया ये हिम्मत का वास्ता आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र मालूम छ कि तुम लोग दरिया भी छे कि गोदा जी पता नहीं क्या बोल देने, लेकिन भाई जब तक हृदय में शांति है तब तक मलाई हूं मैं, हाँ भर गया यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। तो तुम आधा सामान बुलाया तो हम उधर की लेखन तुम्हारे काम में, कि तुम्हारे नहीं हमारे भी काम, हम कोई उधर नहीं करना। बेहतर हूं दो कि तुम जन हिसाब से तुम्हारा प्रोग्राम करी छो मीता भी टेम्पर और ज्यादा और बोलते कि भाई जन तुम बोलते कि द्वि विभूति एक साथ पहली बार मौका आयो छ द्वि विभूति एक साथ रहे तो और अच्छी बात है। देखिए लोकतंत्र में लड़ाई नहीं है, लड़ाई हाथ पैर की नहीं है, लड़ाई विचारों की है। मैं अपने विचारों पर बिल्कुल पूरी तरह से अडिग हूं, इसलिए हूं कि मुझे लगता है कि जीवन की सफलता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए मेरे विचारधारा मजबूत है, मैं ये समझता हूं और ये अधिकार दूसरों को भी होना चाहिए। बच्चों इसको ध्यान से सुनना, जीवन में आपके जो विचार बनते हैं उन विचारों को बनने के पीछे, उन विचारों को प्रौढ़ और युवा और प्रौढ़ होने के पीछे जो आपकी पृष्ठभूमि है उसका बहुत बड़ा महत्व योगदान होता है। तो जो हम सोचते हैं हमें अपने विचारों पर मजबूत रहना चाहिए, ये कोई किसी को डराने धमकाने की बात थोड़ी, हाँ ये जरूर है कि कोई अगर किसी को डराएगा धमकाएगा तो दूसरा भी डराएगा धमकाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि मतलब अगर एक्शन होता है तो एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये स्वाभाविक है। इसलिए क्रिया अगर सार्थक है तो प्रतिक्रिया भी सार्थक होगी और खास करके हम लोगों से कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोगों से। मैंने अभी यहां पर पूछा कि भाई मंत्री जी ने क्या कहा, अगर मंत्री जी ने कुछ कहा तो उसके अनुरूप होता तो ये है वैसे कि मंत्री होने के नाते उन्हें ये अधिकार था कि वो अंत में बोले, क्योंकि मंत्री की बात के बाद कोई दूसरा आदमी उस पर रिएक्शन करे उचित नहीं है, ये अधिकार था उनका कि वो आखिरी में बोलते और उनको पता चला था कि गणेश गोदियाल भी आने वाला है तो उन्हें बोलना चाहिए था कि भाई बुलाओ पहले गणेश गोदियाल को सुनेंगे उसके बाद हम बोलेंगे, ये उनका अधिकार था। पर चलो वो
अपना बोल के चले गए। मैंने सुना कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों के यहाँ पर बखान किया और अपनी पार्टी की उपलब्धियों का बखान किया, अच्छी बात है। राजनीति में अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करेगा आदमी तो क्या करेगा? अब गणेश गोजाल बुलाए तुम्हारो, अरे हम गणेश गोजाल विधायक रहते हुए क्या करूँ, बोल तो बोल क्या भाई ईद बोल, और ये स्कूल 50वीं वर्षगांठ से थी अपने आप में हमारी उपलब्धि सर की बैठे पर शिवानंद लौटे आती हमारी पार्टी का विधायक सर बड़ा स्कूल सर मित्र खुशी से आज ये स्वर्ण जयंती मौके पर भी अखाएं जा रखे बोल। हमारी संस्कृति है खास करके हमारी पार्टी की कि हम जनता के मनोभाव के अनुरूप अपने को साधने का काम करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग और हम आपके टीचर लोग, आप लोग इस शिक्षा के इस मंदिर में यहाँ पर आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्या किसको कहते हैं? दो बातें कही गई हैं, विद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्त कर दे, किस चीज से मुक्त कर दे? बंधनों से मुक्त कर दे। बंधन क्या चीज है? बंधन वो चीज है जो दकियानुसी बातें, गलत विचार में आदमी जकड़ा हुआ है, उन विचारों से मुक्त कर दे, वो शिक्षा है। और उस शिक्षा को ग्रहण करने के हम उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग आते हैं। जरा इन बच्चों को जरा चुप करा देना, ये हल्ला कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आयोजक मंडल को चौथान की हमारी जनता को एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे 10 साल इस क्षेत्र में विधायक रहने का सौभाग्य मिला और मुझे आज खुशी है इस बात की कि आपके जो प्रतीक चिन्ह आपने यहाँ पर दिए उसमें से उस प्रतीक चिन्ह में जो तीन चित्र अंकित हैं उस एक चित्र में, पहले तो दो चित्रों में और नहीं तो खास करके एक चित्र में गणेश कोदियाल और चौथान के समस्त लोगों का योगदान निहित है। ये मुझे खुशी है इस बात की और होना चाहिए कि व्यक्ति को जब मौका मिले तो जो कुछ उससे बन सकता है वो सब काम करने चाहिए। मैंने कहा कि आज से पहले इस विद्यालय में पढ़े हुए बहुत से लोग अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, बहुत से देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब तो आपके पास, हमारे छात्रों के पास और एक अपॉर्चुनिटी है कि इस विद्यालय के साथ साथ आपको ओबीसी का लाभ मिला और उस ओबीसी के लाभ के अंतर्गत आप नई बुलंदी को छू सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ताकत, ये एक्स्ट्रा डोज आपको मिला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओबीसी के आधार पर हमारे छात्र विभिन्न जगहों पर नई बुलंदियों को छू रहे हैं, हमारे युवा नई बुलंदी को छू रहे हैं और आगे भी हमारे युवा नई बुलंदी को छूए। जहां तक हमारे राजनीतिक संस्कारों की बात है तो एक कहानी कहना चाहता हूं। यहां पर विद्यालय है इसलिए विद्यालय में साहित्य के भाषा में ही कहानी कहना चाहूंगा। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए खलील जिब्रान, हमारे टीचर लोगों को पता होगा शायद खलील जिब्रान के बारे में। और ये हमारे बच्चे जो 11-12 के बच्चे हैं इनमें से कितने लोगों ने खलील जिब्रान का नाम सुना है? अंग्रेजी के एक बहुत बड़े लेखक हैं, खलील जिब्रान नाम है उनका। उन्होंने एक कहानी लिखी, ये संदेश है, मैं कहानी कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, ये संदेश है। कहानी ये है भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये आखिरी है। कहानी ये है, एक महिला मछली बेचती है, मछली बाजार में आके मछली बेचती है और चूंकि वो कोली समाज की महिला होती है तो उसका पारंपरिक काम होता है, पुश्तैनी काम होता है मछली बेचना। एक दिन वो मछली बेचने के बाद टोकरी खाली हो गई, तो टोकरी खाली होने के बाद वो घर को जा रही थी टोकरी लेके, तब तक उसको अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक पुरानी सहेली मिल गई जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। वो दोनों एक दूसरे को पहचानने की कोशिश की और पहचान गए। एक ने पूछा तू फलानी है और उसने दूसरे ने पूछा तू फलानी है और दोनों ने हाहाकार दोनों गले मिले। ये दगड़िया कथी दिन बाद मिलना शाम, बचपन में 10 में पढ़ था, 12 में पढ़ था और एक बार 20 साल हो गए और आज 20-25 साल बाद मिलना था। तो जो दूसरे से एक 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 मछली बेचे थे, माछ बेचे थे, जो दूसरे से ही वो माली छे माली जो फूल काम कर दे, तो वह इन बोले कि इनसे मेरे घर नजदीक छा, आज तो अपन घर न जा और मेरा घर रहो और दुआ दुई कथी छीन लो वाला कथी बात करो ला, रात भर इतनी साल रोटी मिले छा रुद खुद लो वाला अपने पहल हमार कथी दोस्त छे वो बात वो करो ला और आज दगड़ा रोला। तो जो माँ छपे छा वो इन बोले ठीक छा आज तेरा घर न, तो रात ही अच्छे से खानो खोनो बनाया, घर गए ना खानो खोनो बनाया और दुआ दुई एक कमरा में से गए।
जब सेगेन आप बहुत देर तक बात करे तो सेगेन तो जो माछ बेचण वैसे भी नींद नहीं होनी, वो जो अच्छा बिस्तर में अरखनी फरखनी नींद नहीं होनी, तो जो दूसरे से माल माली छे जो हा वो बोले कि भाई तो हूं क्या तू सेणी की रहनी चाहिए, मेरे ये सुगंधित फूल रखे छे फूल काम छो, मेरे सुगंधित फूल रखा छे तेरा स्वागत में ये कमरा में बिस्तर साफ करी छो, फूल छिड़किया छे ना गुलाबे पंखुड़ी छिड़की छे ना, इतना अच्छी सुगंध होनी चाहिए, इतनी भीनी भीनी महक छा ये का बावजूद तो नींद की लेनी होनी चाहिए। तो वही माँ से बेचने वाले बोले कि भाई बोन क्या छा तेरे तो पर तेरा पटी बहुत कुछ अच्छा करू छा, लेकिन मी खुश सुगंध जो छा माँ छूंगी खुशबू सुगंध छा, तू इनकार कि तय माँ से बेचने जो प्रकृति मेरे बहर रही तेरी तय पर जब पानी छिड़कर मेरे बगल में रख वह ही मेरी खुशबू छा, जब वो खुशबू मेरे नीते महसूस हो रही तभी मीते नहीं लौट। तो जो जय परिवेश में पड़ू होना जो जय परिवेश में रही होना वे ते हुई परिवेश पसंद होना, मेरे बोलो तुम आयोजक लोग हो मैं तुम तक पहुंचाना चाहो, गणेश को याद से यही अपेक्षा कभी नहीं करें कि गणेश को याद कोई अन्याय वो काम कर दो कि लेकिन गणेश को दादा मिशन ट्रेन है जो ठीक है, अगर मंत्री जी सामने होना तो मंत्री जी भल काम तो भल बोल दो भल बोल दो, और जो गलत काम छे ना ऊंचे यख मुनि बोल दो कि ले कि यख मुनि तुम्हारी इज्जत दाम पर यख मुनि बोल दो भर जाके बोल दो 50 मंजू दिन किले बोल शामिल। बहरहाल तुम लिया हिम्मत दिखाए एक वास्ता कि तुम्हारा आभारी छो, और ये क्षेत्र ते भी तुम्हारे ये बड़े कदम ते हैं ताली पीट के तुम ते शाबाशी देवा चाहिए कि एक बार यहां ताली पीट जा तुम अपने एक संदेश छ जीवन में कोई ई किस्म काम नहीं जाते आदमी नहीं कर सको, ये संदेश तुम होने से तुम पढ़ छ कोई एक किस्म काम नहीं चाह जैसे इंसान नहीं कर सकत, कोई एक किस्म अचीवमेंट नहीं चाह जैसे इंसान अचीव नहीं कर सकत, महत्वपूर्ण तो यो चाह कि तुम्हारी इच्छा शक्ति कितना मजबूत और वे सपना के साथ जैसे सपना तक तुम देखना चाहे कि मिल कब पहुंचना वे सपना के अनुसार अब तक ढालने की तुम में कितना क्षमता ये पर निर्भर कर दे कि तुम कब पहुंच सकते हैं। आज तुम जो बैठे थे ना तुम खुद संदेश यो चाह कि अपने बच्चों थे अपनी तकलीफ बतावा, अगर तुम चाहना छे कि नर अंदर तुम संस्कार की ऊर्जा बढ़ सके, अगर तुम चाहना छे कि जो कुछ बढ़ सके ना तो वो तुम छे सिर्फ कि जो तुम इनार अंदर संस्कार बढ़ सकते हैं, तुम कर सकते हैं। देखा मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं छो, तुम तो बता दे और मैं दुई इज्जत है दुई रोट खाणु छो, आज तक मैं चाहे जय पार्टी में छू मैं बातें खुशी छ और मैं तो याद है खुशी छा कि मेरा अपन जो मत छो स्पष्ट छा, मैं जान छो कि मैं जब छू ठीक छो और मेरा रास्ता ठीक छा, ये वजह से मैं दुई रोटी इज्जत है खाना छो, लेकिन ये इज्जत है रोटी खाना के पिछले भी तुम्हारे जन मेरे जीवन में मेरे माँ हाथ छा, बचपन बेटी मेरे माँ बताओ से मैं तय कि मैं बहुत तकलीफ में छो और तू मेरी तकलीफ ने दूर कर सकती, अगर तू कुछ बनी ले तू कुछ हुई ले तो मेरी तकलीफ दूर वाली, और आज भी मेरे माँ घर में जब ये सोच जान रहा तो बोल बाबा मैं बहुत खुशी होना जब मैं गाड़ियों में जान दू और गाड़ियों में सीट की वाली आप कोई उठ जान बोलते कि गणेश से माच मेरे छत चौड़ जाते भी गणेश से माच हो, तो चांद छा कि वो तुम्हारे भी छत चौड़ हो तो इनार अंदर उन संस्कारों का भरा मैं मालूम चाह कोई नौकरी कर दो 50,000 तनख्वाह दे दो कहते हैं पेंशन मिल दो 40,000 मिल दो, कोई 10,000 में नौकरी करूँ कोई 6,000 में नौकरी करूँ चाह कोई हॉल लगा के अपने बार बच्चों पालू चाह, ये संसार में सुखी कोई नहीं पूरी तरह से, हर आदमी कुछ ना कुछ दुख झेलू छ अपना दुख होता ही होता है, बतावा कि बाबा मीते दुख छ मीते तकलीफ छ और मेरे तकलीफ तो तू दूर कर सके दे, तुम्हारा विकास सरकार अपनी जगह छ दूसरी पार्टी सरकार से तब भी तुम्हारा रोड बढ़ी, हमारी सरकार से 72 गांव बिजली आए, हमारी सरकार से ओबीसी होया, हमारी सरकार से तमाम पंचायत घर बन वाले स्कूल बन वाले इंटर कॉलेज बन वाला, लेकिन असल तुम्हारी तकलीफ ना दूर वह सरकार नहीं बल्कि ये तुम्हारे नौने आव कर सकते दूर, अगर तुम लीनार अंदर जज्बात भर गया तो जज्बात अगर तुम लीनार मन में भर गया और यूं अंदर जज्बात पद होगी ना कि मिला अपने मान तकलीफ दूर कर मिला अपने पिताजी की तकलीफ दूर कर करना चाहो बोली, जब हॉल लगा के कोई आज घाम लगे चल वो कल पर हॉल जानो जानो चल तब घर होना वही तकलीफ तो अगर कोई बच्चा याद करो तो वही तो मच लगा कि मिला अपने जीवन में कुछ कंसर अपने माँ बाप के सुखते हो, तो वो जज्बात तुम्हारे अंदर भनो कांगे उनका ना और वे जज्बाता अनुसार तुम लगन अपन राष्ट्र बनो। बहुत अधिक न कहते हुए मैं एक हूं आज एक बात और दो मिनट बोल चाहू छो
राजनीति में पार्टी होने ना दिन कोई बात नहीं, सरकार बने ना दिन कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष एक बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए नेताओं में। यही मंच था और आज से 20 साल पहले मैं विधायक छो 2004 और नारायण दत्त रतुड़ जी खिम बैठे जिन और मेरे संबोधन में उन बीच में किले को तब बीजेपी का कुछ पदाधिकारी था और उन बीच में मित्र टोकते हुए बोले कि गोजाल जी जैसी बात तुम करना चाहे उन बात उन तक कह के बताया तब मानो लामो और मिल वो किम्बटी बिन सर पुकारे कि सामने भगवान बिन सर चाह और मैं जैसी बोलू सब उसी निकाल सको अगली बार चुनाव नहीं लड़ मिला उसी पूरे कैर मिला भाई इन चाह नेता लोग पुलिस आप बीच आने गणेश गोजाल तो पुलिस से जरूरत 30 किले की मेरे कोई डिठे उस और जय हाथ आई बोल ना जय हाथ से आई बोली वो दिन कहे पुलिस वाला नहीं बचा सकन। तो ये वजह से जो आत्मबल ताकत चाहे वो आत्मबल ताकत बहुत मजबूत ताकत है तो अपने आत्मबल ताकत पड़ा हुआ सब लोग अच्छा रास्ते पर जावा समाज में सब किस्म लोग बोले कोई लोग अपने हितों को काम कर देने लेकिन कोई लोग समाज हितों को काम कर देने तो जो आप लोग समाज हितों को काम करना चाहे ये चौथान में बहुत इसको उपचार मिला। आज तुम बना नेता लोग बोले अरे पहले सरकारों क्या करे आज सबसे बड़ी जो तुम्हारा क्या मानना है तुम सबसे बड़ी जेल तुम्हारा जीवन बदल दे क्या चीज छवा सबसे पहले यू स्कूल छो जेल तुम्हारा जीवन बदले वो एक बात सबसे यू सड़क बने ना ये तुम्हारा जीवन बदले बिजली वेल तुम्हारा जीवन बदले और वो एक बात जो सबसे बड़ी तरह जीवन बदले वो योजना हाथों पर पकड़े ये जीवन बदले। मैं आज जब तुम्हारा रहवा रहे कि जब ठंड गए तो मेरे टाइम पास को कर मैं जंगल चले गए सड़न खड़ा मैं और मेरे वोट लाइव करे मेरे फेसबुक पर होलो मीते वो फारसी भाषा को शेर याद नहीं छोड़ पर एक बादशाह जब कश्मीर में पहली बार गया तो वह बादशाह बोले कि भाई अगर दुनिया में कखी स्वर्ग छा तो वो ये खींचा इन बोल बोल वो बादशाह और मीते वो फारसी शेर याद नहीं आया पर मिल हुए तो ही सरकार तो एक संदेश जोड़ हुए थे ये रूप में जोड़े कितना सुंदर जगह हम छा सरकार यू जगहों को उपयोग हमारे युवाओं से रोजगार जन कर मिले रूप में ये तो जोड़े और उस शेर में तो याद नहीं छो पर मिले फेसबुक में बोले लाइव में कि जो भी लोग मीते ऑनलाइन देखना छे ना अगर वे शेर बता दे उन अच्छी बात है तो वे मैं ही एक नरेंद्र भारती और एक शैलेंद्र सिंह बिष्ट दुनों शेर लिख के भेजे और फारसी शेर की छो कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त वो अर्थ यो चाह फारसी में छो पर हिंदी में वे अर्थ यो चाह कि वे बादशाह कश्मीर थे देख जब पहली बार तो आंख अचक रहेगी ना कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग चाह तो ये खींचा ये खींचा ये खींचा और मिल यह बात अपने उत्तराखंड को बोले अपने राठ को बोले कि स्वर्ग ये खींचा बीते लग रहे स्वर्ग ये खींचा ये तो हम लोग और ये सुंदर जगह तो और स्वर्ग बनाओ मिलजुल के स्वर्ग बनाओ। राजनीतिक चुनाव 5 साल में 1 महीना खुण बंद वे 1 महीने में जय जय मंडाण पर नचने तय मंडाण पर नचे लेकिन 4 साल 11 महीना सभी तो 1 मंडाण पर नचने चाहे वो तो विकास हो मंडाण और ये जवाबदारी ये सरस्वती का मंच बटी बोल चाहू छो ये जवाबदारी जो हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊंग छह चाह लेकिन वैसे बड़ी जवाबदारी ऊंग चाह जो आज सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता छे ऊंग जवाबदारी चाहे कि नहीं कि वो सत्ता में छे इन वोट चाहो ठेका मिलते ही मिलो अरे भाई मैं भी छो विधायक मैं वो सब मिलजुल के कार्य भाई सर कोई अगर बीजेपी ठेकेदार जाए तो वे लेख बटी कब जाना है और अगर कहे बीजेपी ठेकेदार हो काम हुआ रुक जाओ और वो एक बच्चा अगर एडमिशन नहीं ले सकता तो वे पाप वो भागी गणेश गोजाल नहीं बन चाहू चाहे और आज कोई दूसरा भी नहीं बनना चाहना चाहे ये वजह सब लोग मिलजुल करावा क्षेत्र तक आगे बढ़ावा अपना समाज तक आगे बढ़ावा अपना इलाका तक आगे बढ़ावा अपना परिवार तक आगे बढ़ावा और बुराइयों से दूर रहा। एक ही उपलब्धि दिखाने में वर्तमान सरकार है कि वह चौथान में दारू ठेका जरूर खुलेगा तो बहुत अधिक न बोलते हुए छोटी पूजे भी 5 भांडा बड़ी पूजे भी 5 भांडा जब तक मेरी बात है हम तो हार के भी नेता बने आ जाके जाना चाहे वो कि वाह वाह बहुत मजा होनी ठीक से कोई बात नहीं बोल बटी केदारनाथ बोल बटी हेमा जी कह गए ना वो भी वो की ना बोल बटी तुम्हारा आई नहीं हम लोग वो की मुलाकात हुई तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति हेमा जी की। मैं दूसरा कार्यक्रम देखो चाहूंगा इससे पहले त्रिजु नारायण में एक उन्होंने कार्यक्रम देख सो और आज दूसरी बार उन्होंने कार्यक्रम देखना चाहूँ बहुत अच्छी। आप लोगों ने जितने भी आप लोग कलाकार हैं निश्चित रूप में अगर कभी मुझे मौका मिला
तो उत्तराखंड की संस्कृति को, उसके आधार को मजबूत करने के लिए आप लोगों का प्रयास है, उसके लिए निश्चित रूप में पूरा उत्तराखंड आप लोगों का आभारी है और पूरा उत्तराखंड आपको धन्यवाद देता है। हमारा राज क्षेत्र, मेरे शब्दों में मेरे राज क्षेत्र की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी मेहमान भी है, आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद। और चूंकि गणेश कोदियाल अब किसी का चाचा है, किसी का क्यों तुम्हें बोर्ड है वेगोल धीरे धीरे यूं तब बोर्ड है वेगो में तो यूं बच्चों होता है मिठाई बांट रूट, चाहे तुम आज बटे और चाहे तुम है एक दिन बटे जिस दिन सब रला आज के पितर पितर हो चिन्ह यूं होता है मिठाई बांट रूट में अपने तरफ बटी 5100 रुपया आप समिति से दौड़ो छो मेरे तरफ बटी बच्चों होता है जरूर आप लोग मिठाई बांट दें। और सब लोग फूलिया फलिया और शिक्षा विवेक देती है, उस विवेक के आधार पर अपने जीवन का और समाज का निर्णय करने का प्रयत्न करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों का पुनः एक बार मन की अंतरतम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।